वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेज माय टॉपिक इज कंजंक्शन इन द पार्ट ऑफ स्पीच। भाषा के भेद के अंतर्गत आज हम आपको सिखाएंगे कंजंक्शन, जिसका नाम होता है हिंदी में संयोजक। बच्चों, यहाँ पर इसकी परिभाषा जैसा कि दिखाई जा रही है बोर्ड पर, ए कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस विद ईच अदर। यहाँ पे क्या मतलब है इसका? एक कंजंक्शन या एक संयोजक शब्द एक ऐसा शब्द है जो जोड़ता है, ज्वाइन करता है दो शब्दों को अथवा दो वाक्यों को, आपस में जोड़ देता है। ऐसा शब्द कंजंक्शन कहलाता है जो दो शब्दों के बीच में आकर के या दो वाक्यों के बीच में आकर के उन्हें आपस में जोड़ देता है, ज्वाइंट कर देता है, यानी जोड़ने का जो काम करता है वो कंजंक्शन करता है। इसीलिए यहाँ पर उसको नाम दिया है संयोजक, यानी प्लस करने वाला, ज्वाइंट करने वाला। सो लेट मी एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स आल्सो। हियर आर सम एग्जांपल्स। यहाँ बच्चों कुछ उदाहरण दिए हैं आपके सामने, तीन चार, उनमें समझेंगे किस प्रकार कंजंक्शन काम करता है। यहाँ सेंटेंस है राम केम, राम आया, ठीक है। फिनिश्ड वर्क, काम समाप्त किया, राम आया, काम समाप्त किया। तो यहाँ कंजंक्शन कौन है बच्चों? ये एंड शब्द है, राम आया और कार्य समाप्त कर दिया, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया कि दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, राम आया एक सेंटेंस हो गया, कार्य समाप्त किया दूसरा सेंटेंस हो गया। राम ने काम समाप्त किया, राम आया, दोनों को जोड़कर क्या कर दिया? राम आया और कार्य समाप्त कर दिया या किया। नेक्स्ट है ही इज़ पुअर, वह निर्धन है। बच्चों ध्यान दो, वह निर्धन है, इज मीन्स है, पुअर मीन्स निर्धन, ही मीन्स कोई पुरुष या व्यक्ति या बच्चा है, ठीक है। ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, वह ईमानदार है। तो क्या कहेंगे यहाँ पे? ही इज़ पुअर, इसे जॉइंट कौन कर रहा है? बट, जो बट संयोजक शब्द है यहाँ पे, कंजंक्शन वर्ड है एंड, बट, इफ, ये हमारे जो है, और यहाँ पे लास्ट में दिया बिकॉज, ये हमारे सभी संयोजक शब्द हैं जो ज्वाइन करते हैं दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को आपस में। तो विद्यार्थियों यहाँ ध्यान दें, डियर स्टूडेंट्स, ही इज़ पुअर, वह निर्धन है किंतु, लेकिन वह ईमानदार है, ठीक है। यहाँ इसमें कोई डाउट नहीं है आपके मन में कि बट यहाँ ज्वाइन कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल पास, वह पास हो जाएगा इफ़, यदि, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है तो, ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो, वह पास हो जाएगा यदि वह कठिन परिश्रम करेगा या करता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ जो है हमारा बच्चों, यहाँ पर स्टूडेंट्स, यदि वह परिश्रम करता है, यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो वह पास हो जाएगा। तो शब्द जो है, यदि शब्द हमारा यहाँ पे संयोजक का कार्य कर रहा है, इसलिए इसे हम कंजंक्शन कहेंगे, संयोजक कहेंगे, इफ़ को, बट को, एंड को। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, लेट मी फॉरवर्ड विद द फोर्थ एग्जाम्पल। लेट मी एक्सप्लेन दिस फोर्थ एग्जाम्पल। दे रैन अवे, वे भाग गए, वे दौड़कर भाग गए, क्योंकि दे वर एफ्रेड, क्योंकि वे डर गए थे। ध्यान दीजिए, वे भाग गए क्योंकि वे डर गए थे, ठीक है। एफ्रेड मीन्स डरना, दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, वे डर गए थे इसलिए भाग गए। तो यहाँ पे क्या आएगा? दे रैन अवे, वे भाग गए क्योंकि, ये क्योंकि शब्द यहाँ पर जो हमारा है वो हमारा कंजंक्शन है। तो आई होप आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक लेकर आएंगे, वो होगा हमारा इंटरजेक्शन। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।